हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज ऑन मूडीज। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत वाला साबूदाना बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप साबूदाना। इसे मैंने पूरी रात भिगो कर रखा था। ले लीजिए, उसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। तो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच जीरा, और सेंधा नमक, आधा कप मूंगफली भुनी हुई, नींबू का रस और 1 चम्मच चीनी। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होते ही हम उसमें 1 चम्मच जीरा, उसे अच्छे से फ्राई कर देना है। जीरा अच्छे से फ्राई होते ही हमें 2 हरी मिर्च डालनी है बारीक कटी हुई, उसे भी अच्छे से पका लेना है। हरी मिर्च फ्राई होते ही हमें आलू डालना है, आलू भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है तेल में 1 मिनट के लिए। आलू अच्छे से फ्राई होते ही हमें इसमें सोक किया हुआ साबूदाना डालना है और हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, तो ये साबूदाना चिपके ना। अब हमें इसमें मूंगफली डालनी है भुनी हुई और इसे भी अच्छे से चला लेना है। फिर अब हमें इसमें सेंधा नमक डालना है स्वाद अनुसार और 1 नींबू का रस डालना है। इसे साबूदाना खिला खिला बनता है। 1 चम्मच चीनी डालेंगे, इससे साबूदाना सॉफ्ट बनेगा। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट पर के लिए लो मीडियम हीट पर रखेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा हमें साबूदाना नहीं रखना है, इससे साबूदाना चिपक जाएगा। और अब हमें इसे अच्छे से चलाना है और हमारा साबूदाना बनकर तैयार है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और साबूदाना हमारा बनकर तैयार है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे दही के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।